The more you practice, you are able. Hello, friends. This is Pavan Chaudhary. Welcome to An Academy. Very good afternoon. Very good evening to all of you. Join first. So, uh, this lecture. This is the second lecture of Bundela Dynasty. Yeah. बुंदेल जो डायनेस्टी या बुंदेल वंश हम पढ़ रहे थे उसका सेकंड लेक्चर है और मतलब हम लोग पूरा बुंदेलगढ़ साथ में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर और छा पन्ना जितने भी स्टेट मैंने आपको बताए थे सभी स्टेट्स हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे ऐसा नहीं है मतलब अलग अलग स्टेट में तो तीन लेक्चर में पूरा जो बुंदेलखंड डायनेस्टी है इसको हम खत्म करेंगे तो दिस इज द सेकेंड लेक्चर जिसमें हम और चंदेरी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो तीन लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा उसके अलावा कल अगर ज्यादा बचेगा तो कल का जो लेक्चर होगा कल का लेक्चर थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आठ बजे मेरी फिर से प्लस क्लास होती है तो कल का लेक्चर का टाइम तो छे बजे है लेकिन हम उसको साढ़े पांच बजे ही स्टार्ट कर देंगे ताकि एक डेढ़ घंटे खींच के आ, जो पूरा जो बुंदेल स्टेट है तो पूरा बुंदेलखंड हम लोग खत्म कर सकें थोड़ा सा उसका टाइम जो है वो साढ़े पांच बजे होगा कल याद रखना उसका कि टाइम छह ही दिखेगा लेकिन आप लोग साढ़े पांच बजे ज्वाइन कर लेना जो स्टूडेंट इस सीरीज में पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक सीरीज चल रही है उस सीरीज का नाम है सूत्रपात और इसमें हम लोग एम पी का जो पूरा सिलेबस है पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर अभी तक तकरीबन ट्वेंटी लेक्चर्स हो चुके हैं स्टार्टेड दिस सीरीज फ्रॉम थर्टी या थर्टी वन थर्टी से शुरू किया था तीस अक्टूबर से शुरू किया था और तकरीबन बीस लेक्चर इसमें हो चुके हैं जिसमें हमने अभी यूनिट नंबर वन स्टार्ट की है और यूनिट नंबर वन में भी हम मध्य प्रदेश का जो इतिहास है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारा मतलब बुंदेल डाइनेस्टी फिर होलकर सिंधिया वगैरह करके तो इस महीने के एंड तक हमारा हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो लगभग खत्म हो जाएगा फिर कल्चर वाला पार्ट बचेगा तो अभी हमारा पहले जो टारगेट है यूनिट नंबर वन थ्री और फाइव इनको पहले कंप्लीट करना जो एम वाला सेक्शन है तो पहले हम एमपी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग इसमें यूनिट नंबर जो फोर है फोर कंप्लीट करेंगे विच इज द ज़ोग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर सेवन और यूनिट नंबर नाइन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो साइंस एंड टेक और आईसीटी वाला यूनिट है तो वो कंप्लीट करेंगे तो ये आने वाले तीन दो तीन महीने में इन छह यूनिट्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं तो दो तीन चार महीना उसके अंदर लगेगा अभी तो पहला यूनिट चल रहा है यही और हर टॉपिक को हम लोग शॉर्ट टॉपिक में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़े और थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको चीजें याद हो सके चलिए तो लास्ट लेक्चर में हमने ओरछा स्टेट के बारे में बात की थी ओरछा स्टेट में भी हम लोगों ने शायद विक्रमजीत बुंदेला पढ़ लिया था ना विक्रमजीत बुंदेला तो समय पे हम लोग जो विक्रमजीत बुंदेला है उनके बारे में बात करें तो विक्रमजीत बुंदेला जो है उनका जो शासन काल था सेवनटीन से लेके एटीन तक अठारह तक रहा और इनके टाइम पर इन्होंने एटीन में अठारह में अंग्रेजों के साथ में जो ट्रिटी है ट्रिटी ऑफ जो बोलते ना एक तरह संधि आपको अंग्रेजों के साथ आपको साइन कर ली कॉल्ड द सब्सिडरी अलायंस सहायक सा संधि बन गए और सहायक संधि साइन होने के बाद जो बुंदेल स्टेट है उसकी आउटर बाउंड्रीज क्योंकि जो ये संधियां होती थी ट्रिटीज होती थी तो इन ट्रिटीज का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था कि इन ट्रिटीज को साइन होने के बाद जो किसी भी स्टेट का जो आउटर बाउंड्रीज है मतलब उसकी जो स्टेट बाउंड्रीज है उनकी रक्षा अंग्रेज करेंगे और इंटरनल मैनेजमेंट राजाओं को खुद को देखना पड़ेगा उसके लिए वो अपनी पुलिस वगैरह जो है उनको आपको रख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से 17, 19, 12 में संधि हुआ फिर अठारह सो के पंद्रह के अंदर एक और संधि इनके बीच आपको हुई तो दो संधि हुई और एक संधि फिर बाद में अठारह के अंदर भी आपको हुई बट मेन संधि अठारह वाली संधि मानी जाती है इस संधि के अंतर्गत बुंदेल स्टेट एक तरीके ओरछा स्टेट एक तरीक तरीके से उनके अधीन या उनके Uh, अंग्रेजों के अंदर यहाँ पे अधीन यहां पर आपको आ जाता है और उसी के साथ में उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल टहरी शिफ्ट कर दिया इसके बारे में हमने बात की थी टहरी जो है या टहरी आप बोल सकते हैं उसको जो अभी टीकमगढ़ वाला रीजन है इट्स कॉल्ड द टीकमगढ़ भगवान कृष्ण के नाम पर टीकमगढ़ नाम आपको पड़ा तो वहां पर कैपिटल टहरी में आपको शिफ्ट करते हैं और ये भी माना जाता है कि अंग्रेजों की एक डिमांड थी कि ये सब चीजें की जाए और उसी के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उस समय पर इस पूरे स्टेट के आपका जो बुंदेल स्टेट ओढ़सा स्टेट है तो इसके आसपास लगातार इन्वेजन लगातार अटैक हो रहे थे और वो अटैक हो रहे थे मराठों की तरफ से इसके पहले हमने देखा विश्वनाथ प्रताप विश्वनाथ सिंह जो आपके बालाजी विश्वनाथ हैं उन्होंने हमला किया उसके बाद आपके बालाजी विश्वनाथ उनने हमला किया उसके बाद आपके जो बाजीराव पेशवा हैं उन्होंने हमला किया तो लगातार अटैक हो रहे थे और उन हमलों से बचने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की शरण ली अंग्रेजों के साथ आपको टीटी साइन की और ओरछा उनको काफी पास पड़ता था ओरछा के पास सागर में इनका स्टेशन था मराठों का तो इसलिए कैपिटल टीकमगढ़ शिफ्ट कर लिया ताकि मराठों से जो दूरी है वो दूरी यहां पर आपको बुलाई जा सके और इसके लिए उन्होंने ट्रीटी साइन किया लॉर्ड वेलेजली उस समय थे तो लॉर्ड वेलेजली ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया इस ट्रिटी को मंजूर किया और एक तरीके से तेवीस दिसंबर अठारह को ये संधि यहां पर आपको साइन हो जाती है और ये अंग्रेजों के अधीन यहाँ पर स्टेट यहाँ पर आपको हो जाता है अब संधि साइन किसने की क्योंकि साइन करने के लिए अधिकारी वगैरह साइन करते हैं राजा तो मतलब राजा तो है ही लेकिन राजा के तरफ राजा के तरफ से दुक्कन लाल करके इनके एक सेना अधिकारी थे उनका नाम था दुक्कन लाल। तो दुक्कन लाल जो थे उन्होंने ये साइन किया और अंग्रेज सरकार की तरफ से जो जॉन वॉकर है उन्होंने यहाँ पे साइन किया तो इन दोनों अधिकारियों ने दुक्कन लाल और जॉन वोकर उन्होंने साइन किया क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि हु साइन द ट्रिटी ऑफ बुंदेला ट्रिटी ऑफ द ओरछा स्टेट है ना कि इनमें से किसने साइन की दुक्कन लाल एंड द आपका जॉन वॉकर या दुक्कल लाल एंड लॉर्ड वैले या राजा विक्रमजीत सिंह एंड लॉर्ड वैलेजली ऐसे ऑप्शन आ जाएगा दुक्कल लाल और इन दोनों ने ये ट्रीटी यहां पर आपको साइन किया और इस तरह से स्टेट के अंदर जो टैक्स वसूल करने का जो पावर था तो वो राजा के पास ही रहा कुछ टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था या जो भी आर्मी वगैरह रखने का जो खर्चा है वो अंग्रेजों को देना पड़ता था बाकी पूरा जो है वो स्टेट के पास यहाँ पर आपको रहता था इस तरह से ओरछा जो है वो एक प्रिंसली स्टेट या रियासती राज्य यहाँ पर आपको बन जाता है और जनरली जितने भी रियासती राज्य बने सब एटीन के बाद ही ज्यादातर बने मध्य प्रदेश में क्योंकि अठारह तक तो मराठों का इन्फ्लुएंस रहा और मराठों के डर के कारण इन्होंने संधि साइन की चाहे ओरछा हो चाहे आ, 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 आपके भोपाल स्टेट हो तो इन सभी स्टेट्स ने मराठों के डर से संधि साइन की और मराठों ने खुद ने 1818 तक जैसे मंसूर का संधि साइन हुआ लास्ट विद द होलकर तो फिर अंग्रेज मराठों ने भी साइन करके अंग्रेजों के डायरेक्ट अधीन यहां पर आपको आ गए तो उस प्रकार से संधि उन्होंने साइन की उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल होता है द बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बघाट तो ओरछा और दतिया स्टेट उनके बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल होता है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ बघाट अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्या थी कि दतिया स्टेट ऑलरेडी ये भी सब्सिडी अलायंस साइन कर चुका था और ओरछा भी साइन कर चुका था लेकिन ओरछा के कुछ रीजंस पे बाघात करके एक जगह थी तो उस जगह के ऊपर दतिया ने हमला कर दिया या दतिया ने कुछ वहां पर आग वगैरह लगा दी तो उनके एरियाज में तो उसके कारण उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और दोनों स्टेट प्रिंसली स्टेट थे दोनों अंग्रेजों के अधीन हुआ करते लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच में यहां पर बैटल आपको होता जो एक ये था कि अंग्रेज के साथ में अगर संधि है तो फिर बैटल कैसे हो गया तो ये अंग्रेजों के कार्य जो प्रश्न उनका जो कार्य प्रणाली थी उस पर एक सवाल इसके अंदर उठाया गया कि ये कैसे पॉसिबल आपको हो पाया चलिए उसके बाद आ, अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम था धर्मपाल और धर्मपाल जो है इनका साम्राज्य या इनका जो रूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनके साम्राज्य में अगर या इनके रूल में देखा जाए तो इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था उस समय सिंधिया के एक सेनापति थे उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट तो जॉन बैप्टिस्ट को उन्होंने डिफीट किया था अब उस समय क्या था कि अंग्रेजों या जो सिंधियाज वगैरह थे या जो भी दूसरे राजा थे तो उनकी सेना के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी रख सकते थे या एक फ्रेंच अधिकारी रख सकते थे जनरली जितने भी Um... um. जो संधि साइन की जिन्होंने क्योंकि सिंधिया पहले से संधि साइन कर चुके थे अंग्रेजों के साथ में संधि में यह था कि बिना उनकी परमिशन के बिना विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश किसी भी नॉन किसी भी यूरोपियन को अपने जॉब पे नहीं रख सकता अंग्रेजों के अलावा किसी को जॉब पे नहीं रख सकते लेकिन अंग्रेजों ने इनको परमिशन दी जॉन बैप्टिस्ट को रखने की और जीन बैप्टिस्ट जो है उन्होंने कई सारी बैटल लड़ी और उन बैटल्स में सिंधिया को काफी ज्यादा मतलब काफी एरियाज गेन हुआ विजय उनको प्राप्त हुई चंदेरी पे भी इन्होंने हमला किया था जीन बैप्टिस्ट ने चंदेरी के एरिया को कैप्स किया था लेकिन जब धर्मपाल और इनके बीच में आपको लड़ाई हुई तो उन्होंने जो जीन बैप्टिस्ट था जो फ्रेंच कमांडर था इसको डिफीट कर दिया और जब इसको डिफीट कर दिया तो पूरे बुंदेलखंड बघेलखंड और पूरे क्षेत्र के अंदर इनकी वाहवाही होने लगी कि भाई इतना तो कोई अच्छा राजा अभी तक हुआ नहीं या इतना अच्छा लड़ाका कोई नहीं हुआ जो जीन बैप्टिस्ट को हरा दे तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंट काम किया था लेकिन उसके बाद फिर खैर उन्होंने सब्सिडी अलायंस ऑलरेडी साइन कर चुके हैं उसके बाद इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम आई पिंडारी की है ना पिंडारी जो है वो अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग थे जो आपके लूटपाट वगैरह मचाते थे इन एरिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर पिंडारियों का बड़ा प्रॉब्लम पे था तो उसके लिए जो लॉर्ड हस्टिंग है वो खुद बुंदेलखंड आए बुंदेलखंड आके उन्होंने की की हंटिंग करना शुरू की, उनका शिकार करना शुरू किया बाद में कर्नल स्लीमन इस रीजन में आएंगे और वो इस एरिया के अंदर सब तमाम चीजें करेंगे तो सबसे पहले जो लॉर्ड हस्टिंग है वो खुद यहां पर आते हैं और जंगलों में जाके उन्होंने पिंडारियों को मारना या उनको किल करना शुरू किया अब जो धर्मपाल थे इनकी तीन पत्नी आती तीन वाइफ थे थी और एक का नाम था गराई सरकार एक का नाम था लड़ाई सरकार और तीसरी थी हराई सरकार पता नहीं उनका नाम ऐसा क्यों है गराई लड़ाई और हराई तो तीन उनके यहां पर आपको तीन पत्नियां थी लड़ाई सरकार गराई सरकार और हराई सरकार जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो लड़ाई सरकार थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी लंबे समय तक इन्होंने आगे शासन भी यहां पर आपको किया तीन संतान पत्नियां थी लेकिन तीनों में से किसी भी पत्नी का बेटा नहीं था बच्चे नहीं थे तो तीनों पत्नियां जो है उनकी संतान यहां पर थी साथ में जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वीन थी गराई सरकार तो उन्होंने यहां पर नजरबाग करके एक टेम्पल जो है टीकमगढ़ में, तो नजरबाग करके एक सुंदर सा टेम्पल बनवाया जो कहीं ना कहीं कैथोलिक जो चर्च है वैसे यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होता है तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नजरबाग टेम्पल किसने बनवाया तो गराई सरकार ने बनवाया किसके टाइम पे बनाया गया तो धर्मपाल के टाइम पर बनाया गया कहां पर लोकेटेड है तो टीकमगढ़ में लोकेटेड तो एक लाइन से ही तीन क्वेश्चन बन सकते हैं या थ्री क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कई बार क्वेश्चन आते हैं अब 1834 में जो धर्मपाल है धर्मपाल की डेथ हो जाती है और धर्मपाल के डेथ के बाद उनकी जो पत्नी है वो फिर शासन यहाँ पर आपको आप संभाल दिया तो उसकी उनके डेथ होने के बाद उनकी जो पत्नी है गराई सरकार लड़ाई सरकार सॉरी वो राज्य को कंटिन्यू करती है लेकिन एज ए क्वीन वो शासन नहीं कर सकती थी इसलिए उन्होंने जो भी एक व्यक्ति को राजा बनाया मतलब एक किंग यहां पे अपॉइंट किया और उस किंग को अपॉइंट करके एक तरह से बोलते हैं राजमाता जैसा स्टेटस है तो राजमाता जैसा स्टेटस इनको मिल गया तो राजा तो बहुत सारे हुए लेकिन सभी राजा कहीं ना कहीं जो क्वीन थी उस क्वीन के अधीन या जो रानी है उनके अधीन आपको हुआ करते तो लंबे समय तक ये जो तमाम चीजें हैं वो चलती रही और यहां से लेके एटीन तक अठारह तक ये चीजें आपको होती रही कि जितने भी राजा हुए उन सभी राजाओं को लड़ाई सरकार के

खिलाफ लड़ रहे थे तो बाद में लोगों ने उनकी याद में एक स्मारक है वो स्मारक आपको बनाया ठीक है तो ये सब चीजें हुई अब उसी बीच में जो लड़ाई सरकार थी वो जो भी अंग्रेजों के अधीन था ओरछा स्टेट लेकिन उस समय पे 1842 में 1842 में एक क्रांति होती है एंड द रिवोल्ट इज कॉल्ड द बुंदेला रिवोल्ट या बुंदेला विद्रोह उसको कहा जाता है बुंदेला रिवोल्ट या बुंदेला विद्रोह जो 1842 में, में होता है अब इस विद्रोह को हम अलग से पढ़ेंगे एक लेक्चर में तो इस विद्रोह में कई सारे उस समय के जो राजा थे या उस समय आपके जो नरहट नरहट के राजा या मधुकर शाह वगैरह उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन आ, 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 आपकी जो लड़ाई सरकार थी उन्होंने इस बैटल के अंदर अंग्रेजों का पूरी तरह से साथ दिया लड़ाई सरकार ने 1842 के बुंदेला रिबेलियन में में उसके साथ ही 1857 का जो बैटल बैटल था उस बैटल में भी उन्होंने अंग्रेजों का आपको साथ दिया तो, तो पूरी तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के साथ में रहते हुए लड़ाई यहाँ पर आपको लड़ी तो जो तेज सिंह बुंदेला है तो वो तेज सिंह आपको राजा बने उसके बाद एटीन के अंदर जो बैटल था उसमें रानी ने उनकी हेल्प यहाँ पर की या स्पेशली जो नरहट के राजा थे तो जयपुर के राजा थे इट्स रा, कॉल्ड राजा करके एक राजा थे अब ये जो बैटल हुआ जैसे मधुकर शाह पारिछात वगैरह सब ने आपको पार्टिसिपेट किया लेकिन एक एक करके जितने भी राजा थे जिन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट किया सब अलग अलग हो गए बैटल अलग से हम पढ़ेंगे अभी सिर्फ उसकी जो लड़ाई सरकार से कनेक्शन है वो बता रहा हूं और उस दौरान फिर जो लड़ाई सरकार है तो आपके जो पारीछात जो थे जयपुर के राजा वो अकेले बचे उस युद्ध में और वो अकेले अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे अपनी सेना के साथ में लेकिन जब उनकी पावर कमजोर हुई तो वो ओरछा स्टेट में ही किसी जगह पे चुपचाप जाके आपको छुप गए ये बानी फिर, ये बात फिर फिर पता चलती है लड़ाई सरकार को और लड़ाई सरकार फिर उनको एक एक मतलब मंदिर था शिव मंदिर था तो शिव मंदिर में वो पूजा करने आते थे तो ये रानी को पता चल गया इंटेलिजेंस से कि वहां पर पूजा करने आएंगे आ, आपके परिचात और उस समय पर इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को दे देती है और अंग्रेज के अधिकारी जो है जाके परिछात को पकड़ लेते हैं और बाद में पारिछात को पकड़ के फांसी की सजा दी जाती तो जो रिवोल्ट हुआ तो उस रिवोल्ट में उन्होंने एक तरीके से अंग्रेजों को पूरी तरह से यहां पर आपको पार्टिसिपेट किया और इनके कारण ही पारिछात यहाँ पर आपको पकड़े जाते हैं ठीक है अब उसके बाद जब तेज सिंह का यहाँ पर आपको शासन हुआ तो उस समय पर प्रॉब्लम यहां पर आपको ये थी कि अब तेज सिंह प्रॉपर तरह से शासन नहीं चला पा रहा था उसके बाद अगेन फिर एक और राजा थे सुजान सिंह तो सुजान सिंह जो थे तो उनको उन्होंने अपने साथ में लिया तो उनके साथ मिलकर साम्राज्य चलाना शुरू किया उसके बाद उनके जो प्राइम थे उनका नाम था और उनका एक अधिकारी था नत्थे खान तो नत्थे खान की हेल्प से उन्होंने सरकार चलाना शुरू करी तो दो बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी थे एक का नाम था तो सुजान सिंह सेकेंड और दूसरा था आपका नत्थे खान तो इनके मतलब सुजान सिंह जो गद्दी पर बैठा जब वो राजा बना तो उसके टाइम पर वो माइनर था छोटा था तो माइनर राजा का राज्य चलाने के लिए नत्थे खान नाम का एक अधिकारी था उसको उन्होंने एज अ ऐसे बोल सकते हैं रजेंट के रूप में एक अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया ताकि राज्य का जो बागडोर है बागडोर हाँ आपको संभाल सके तो ये जो पूरी स्टोरी है वो पूरी लड़ाई सरकार के आसपास यहाँ पर आपको चलती है उसके बाद इसकी भी अगेन यहाँ पर आपको डेथ हो जाती है मृत्यु हो जाती है फिर जो देवी सिंह है तो देवी सिंह यहाँ पर आपको राजा बनता है क्योंकि सुजान सिंह की विष दे के आपको हत्या हो गई और उसके बाद फिर जो देवी सिंह है तो उसकी हत्या होने के बाद सुजान सिंह फिर यहां पर आपको राजा बनता है और बाद में फिर सुजान सिंह को अरेस्ट किया गया कि उन्होंने उसको

जो का सपोर्ट किया तो अंग्रेजों ने उनका बड़ा सम्मान भी किया और इसीलिए 1865 में 1865 के अंदर जितने भी ओरछा राज्य के ओरछा स्टेट के राजा थे इनको अंग्रेजों ने महाराजा का टाइटल दिया महाराजा तो उस समय महाराजा का टाइटल नॉर्मली मिलता नहीं था तो इनको महाराजा का टाइटल दिया तो राजा से बड़ा होता है महाराजा अभी तक तो ये लोग राजा थे राजा से छोटा होता है जागीरदार तो या जागीरदार हो गए या नवाब वगैरह हो गए तो महाराजा का बड़ा टाइटल होता महाराजा के बाद महाराजा धिराज होगा जो ब्रिटिश क्राउन खुद था तो एक तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन इनको डायरेक्टली यहां पर आपको लिया तो महाराजा की उपाधि बड़ी इंपॉर्टेंट थी साथ ही इनको सत्रह गन सैल्यूट का जो पावर है सत्रह गन सैल्यूट का पावर दिया गया सेवनटीन गन सैल्यूट है ना तो सेवनटीन गन सैल्यूट भी एक बड़ी बात है क्योंकि सेवनटीन गन सैल्यूट जनरली जो बड़े राज्य थे बड़े स्टेट है उनको दी जाती थी और ओरछा इतना बड़ा भी स्टेट नहीं था कि वो इंदौर या भोपाल या आपके हैदराबाद की बराबरी कर सके लेकिन ही गॉट द सेवेंटीन दे गॉट द सेवनटीन गन सैल्यूट सत्रह तोपों की सलामी दी जाती है महाराजा का टाइटल भी दिया मतलब कभी भी अगर uh, जो ओरछा स्टेट के राजा हैं अगर वो गवर्नर जनरल से मिलने जाएंगे या क्वीन से मिलने जाएंगे तो उस समय उनको ये जो टाइटल है या उनको 17 गन का सैल्यूट दिया जाएगा और साथ में उनको कुछ कंपनसेशन वगैरह भी उसका मिलता था तो ये तमाम चीजें उसके टाइम पर थी खैर ये सब चीजें यहाँ पर आपको याद रखना ठीक है उसके बाद ये लड़ाई सरकार की पूरी स्टोरी जैसे बताई वैसे चलती है उसके बाद फिर और छोटे मोटे राजा प्रताप सिंह बुंदेला करके राजा बनते हैं एटीन से लेकर नाइनटीन तक अठारह से लेकर उन्नीस तक आपके प्रताप सिंह जो है प्रताप सिंह राजा बनते हैं और उनके बाद फिर आखिरी राजा जो बनते हैं यहाँ के उनका नाम था वीर सिंह सेकंड 1930 से लेकर 1948 1948 तक स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी क्योंकि बीच में कुछ ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो लास्ट राजा है वीर सिंह देव वो बड़े इंपॉर्टेंट है तो 1930 से लेके 48 तक वीर सिंह देव राजा बनते हैं वॉज द लास्ट किंग अब इनके टाइम पर क्या हुआ कि 1930 का जो समय था उस समय पे दो तीन चीजें यहां पर आपको हुई एक तो इनके टाइम पर एक इंसिडेंट हुआ उसको थाना लो, थाना लोहारी इंसिडेंट कहा जाता है एक ओरछा स्टेट में एक जगह थी उसका नाम था, था थाना लोहारी तो थाना लोहारी में क्या होता है कि उस समय आजादी का आंदोलन चल ही रहा था 1930s में 1930 का दौर सी का दौर था सिविल डिसोबीडेंट का दौर था तो उस दौर के समय पे थाना लोहारी करके एक जगह थी तो वहां पर जो अधिकारी वगैरह हैं वो मतलब जो कांग्रेस के मेम्बर्स और बाकी जितने भी क्रांतिकारी वगैरह वहां पर थे या जो भी आजादी के आंदोलन के लोग थे ओरछा स्टेट में तो वो वहां पर इकट्ठा होते और थाना लोहारी नाम की एक जगह थी तो वहां पर जाके वो लोग पार्टिसिपेट करने के

तो उनके अंतर्गत एक जांच कमेटी बैठाते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें क्यों हुई तो श्यामलाल साहू के अंदर जांच कमेटी जिन्होंने थाना लोहरी इंसिडेंट इंसिडेंट जो है इस की पर आपको जांच की है ना तो श्यामलाल साहू है ना क्या ये श्यामलाल साहू उनके अंतर्गत ये किया जाता है तो श्यामलाल साहू नाम की कमेटी बनाई गई पंडित नेहरू के द्वारा अब उसके बाद यहां पर एक प्रॉब्लम थी जितने भी अब जितने भी प्रिंसिली स्टेट आएंगे ना वहां पर एक चीज आप अभी से समझ लो उसको हम बोलते हैं प्रजामंडल तो प्रजामंडल का स्टैब्लिश हुआ बार 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 प्रजामंडल नाम आपको आएगा तो आप अभी समझो कि प्रजामंडल होता क्या है तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आपने अंग्रेजों के टाइम पर कई सारे कानून पढ़े होंगे 1909 का एक्ट फिर 1919 का एक्ट फिर 1935 का एक्ट तमाम कानून हुए अब इन कानूनों के अंदर क्या था कि इन लॉस के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा है तो विधानसभा बनाई गई 1919 के अंदर भी जो राज्य थे स्टेट थे प्रोविंस प्रोविंस जो थे के अंदर आपका यहाँ पर आपको लाया गया 1935 के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इवन यहां पर उन्नीस के एक्ट के अंदर तो जो स्टेट थे उन स्टेट को ऑटोनोमस पावर या स्वायत्त स्वायत्तता उनको आपको प्रदान कर दी गई तो जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट पार्टी कि पूरा भारत दो भागों में बटा था एक था ब्रिटिश इंडिया जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट राज हुआ करता था और दूसरा था प्रिंसली स्टेट जैसे ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस हो गया या बॉम्बे हो गया कलकत्ता हो गया मद्रास स्टेट हो गया इनके अंदर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था डायरेक्ट अटैक मतलब डायरेक्ट इनका अधिकार था लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे रियासती राज्य थे वहां पर राज्य किसका था राजाओं का राज्य था और कई सारे कानून भी राजाओं के हिसाब से आपको बनते थे और हर चीज राजा के हिसाब से आपको होती थी तो जो प्रिंसिली राज्य। तो राज्यों में ये डिमांड उठने लग गई कि यहां पर जैसे 1935 का कानून आया तो 1935 के कानूनों में जो स्टेट थे राज्य थे तो वहां पर ऑटोनॉमी आ गई स्वायत्ता आपको आ गई मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या एक स्व सरकार वहां पर बन गई एक जवाबदेह सरकार बन गई जो सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया में बन गई जब ब्रिटिश इंडिया में बनी तो कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन चलाया कि जो प्रिंसली स्टेट है रियासती राज्य है इन रियासती राज्यों में भी रिस्पॉन्सिबल चाहिए और इन जवाबदेह सरकार बनाने के लिए जगह जगह मतलब प्रजा जो है उन्होंने अपना मंडल बनाया मतलब अपनी कमिटीज बनाई तो उसको पीपल्स कमिटी भी बोला जाता है तो लोगों ने अपनी कमेटी बनाना शुरू की और उस कमेटी बना के वो लोग राजा से जो भी राजा थे तो ये कांग्रेस के अधीन पूरा मूवमेंट चल रहा था तो वो अपनी कमिटी बनाते या प्रजामंडल बनाते प्रजा बना के राजा से या जो भी वहाँ पे राजा है उनसे रिक्वेस्ट करते कि या आंदोलन करते कि हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक स्व सरकार जो है स्व सरकार यहां पर आपको स्टैब्लिश आपको करनी तो सरकार करने का जो पूरा प्रोग्राम है ये पूरा प्रोग्राम यहां पर आपको स्टार्ट हुआ अब इसमें दो चीजें थी एक तो ये था कि या तो राजा प्रजामंडल स्टैब्लिश कर देता था या राजा बोलता है कि मैं ठीक है कर देंगे दो चार साल दो साल रुको तीन साल रुको तो राजा उनको एक आश्वासन देता है कि ठीक है हम स्टेब्लिश आपको कर देंगे लेकिन ओरछा स्टेट में जो राजा थे वीर सिंह देव तो उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है हम लोग प्रजामंडल जो है एक ओरछा प्रजामंडल स्टैब्लिश कर देते हैं लेकिन ओरछा प्रजामंडल का जो पावर था वो राजा के पास आपको ज्यादा था तो जैसा कि राजा ने लोगों से कमिट किया था प्रजा मंडल जो है उसकी स्थापना होती है और नाइनटीन में तो आप समझ गए होंगे प्रजा मंडल क्या होता है तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या एक स्व सरकार जो है या एक जवाबदेह सरकार प्रिंसली स्टेट में बनाना इसको हम लोग बड़े तौर पर अगर देखें तो उसको प्रजा मंडल कहा जाता है इसके और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने मेन मेंस की क्लास में आपको पढ़ाया था लेकिन अभी इसके हिसाब से आप प्रजा मंडल का यही मतलब आपको समझो तो हर राज्य में प्रजा मंडल बना चाहे वो इंदौर हो भोपाल हो ग्वालियर हो सॉरी या ओरछा हो सभी स्टेट में प्रजामंडल बनाने की डिमांड उठी अब जब जनता ने इतनी डिमांड उठाई तो टली प्रजामंडल प्रजा को यहां पर प्रजामंडल का establishment आपको होता है और प्रजामंडल में दो बॉडीज बनाई जाती है एक बॉडी बनाएगी उसका नाम था धारा सभा और दूसरी बॉडी जो बनाई गई उसका नाम था प्रजामंडल तो प्रजामंडल और धारा सभा करके दो बॉडी गई अब प्रजामंडल आप धारा सभा आप ऐसा समझो आज के समय की राज्यसभा तो वो बनाया गया और प्रजामंडल को आप ऐसा समझो कि प्रजामंडल अभी आज के समय की लोकसभा तो उस प्रकार से प्रजामंडल और धारा सभा दो अलग अलग बॉडीज उन्होंने आपको बनाई और इनके इलेक्शन के लिए भी अलग अलग ने प्रोसेस यहां पर आपको अपॉइंट की तो जितने भी स्टेट थे मतलब पूरा जो राज्य था पूरे राज्य को उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य को उन्होंने टप्पा में डिवाइड किया टप्पा अगर देखा जाए तो जो तहसील होती है तो तहसील से छोटा पार्ट टप्पा होता है तो पहले जिला हो गया जिले के अंदर तहसीलें हो गए तहसील के नीचे टप्पा होता है तो उन्हें उस समय पे पूरे ओरछा स्टेट में 21 टप्पा हुआ करते थे टप्पा मतलब छोटे पार्ट हुआ करते थे तो पूरे राज्य में पांच तहसीलें थी और 21 टप्पा थे तो जो टप्पा थे तो हर टप्पा के अंदर एक अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा या टप्पा का चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा और ये व्यक्ति वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा टप्पा के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा अब ऐसा भी नहीं था वहां पर कि जितने भी लोग थे सबको यहां पर वोट देने का अधिकार मिलेगा तो कुछ पूरे ओरछा स्टेट में कुछ पचास हजार लोग सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था कुछ सिलेक्टेड लोगों को वोट देने का अधिकार था तो इस तरीके से वो टप्पा प्रजामंडल जो है टप्पा प्रजामंडल बनाते इक्कीस टप्पा प्रजामंडल जो है इक्कीस मंडल यहां पर आपको बनते हैं प्रिंसली स्टेट के और हर टप्पा के अंदर एक अधिकारी आपको होगा या एक व्यक्ति यहां पर होगा जो आ, उनको रिप्रेजेंट करेगा उनको प्रतिनिधित्व करेगा तो उस प्रकार से टप्पा मंडल बना अब टप्पा को भी कुछ काम तो 21 लोगों का जो ग्रुप था उनका टप्पा मंडल यहाँ पे बन गया या प्रजा मंडल आपको बन गया और ये प्रजा मंडल को कई सारे काम यहाँ पे दिए गए कई सारे फंक्शन दिए गए तो फंक्शन लाइक द जंगल का मैनेजमेंट करना फिर कांजी हाउस मतलब जहां पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो काम हो गया ग्रामीण शिक्षा का हो गया सिविल और क्रिमिनल जो राइट वो कुछ अधिकार दिए गए तो पहली बार ओरछा में इस प्रकार के सिविल और क्रिमिनल राइट लोगों को या प्रजामंडल को यहाँ पर आपको दिया गया उसके बाद तो तरीके से ओरछा प्रजामंडल आपको बना फिर एक धारा सभा बनी जिस धारा सभा के अंदर भी बारह मेंबर्स होते थे ट्वेल्व मेंबर्स होते थे तो धारा सभा और ये दोनों मिला के आपका एक ओरछा प्रजामंडल अल्टीमेटली यहां पे बनता और जो ओरछा प्रजामंडल ये बनता है तो इसके अंदर जो अधिकारी थे तो टोटल थर्टी थ्री यहां पर आपको मेंबर्स थे तैतीस मेंबर थे जिसमें से 21 मेंबर इलेक्टेड थे और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड थे तो इस प्रकार से ओरछा प्रजामंडल मंडल में 33 मेंबर हो जाते 21 नॉमिनेटेड और बाकी आपके 12 जो है वो इलेक्टेड थे और इलेक्ट कौन करता था राजा इलेक्ट करता था तो इस प्रकार से 21 तो इलेक्ट हमने कर लिए ओरछा प्रजामंडल में जिसको एक-एक टप्पा से एक-एक व्यक्ति हो गया और बाकी बारह मेंबर राजा ने नॉमिनेट कर दिए तो इस प्रकार से तैतीस मेंबर का आपका प्रजामंडल बन गया उसके बाद जो धारा शब, धारा सभा थी आपकी तो धारा सभा आपको बनती जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी आपको कहा जाता है इसको स्टैब्लिश किया अब इसके अंदर एक सभापति होता था और छह सरकारी और गैर सरकारी मेंबर आपको होते थे तो इनको मिला के इन्होंने धारा सभा बनाई है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद बोलते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड द धारा सभा तो इस तरीके से एक सभापति छह सरकारी और गैर सरकारी मिला के धारा सभा यहां पर आपको बनाएंगे अब इसमें प्रॉब्लम आते कि कोई भी अगर ओरछा स्टेट में कानून पारित करना है तो उस कानून पारित करने के लिए दोनों जो स्टेट है मतलब तो प्रजामंडल और धारा सभा दोनों में आपको कानून पारित करना पड़ता था कोई भी लॉ या कोई भी अगर आपको ऑर्डर भी निकालना तो दोनों में पारित करना पड़ता था अब जो धारा सभा थी उसके अंदर जितने भी मेंबर थे जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो भी आपको थे सब राजा के लोग थे इधर प्रजामंडल में देखेंगे तो 21 और 12 थे तो इक्कीस बारह तो ठीक है लेकिन जो बारह लोग थे वो भी राजा के लोग थे तो कोई भी कानून जब पारित करने की बारी आती तो कोई कानून यहाँ पर आपको पारित हो नहीं पाता लेकिन फिर भी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने चीजें यहाँ पर आपको कर दी उस समय पर जैसा बताया कि पचास लोग जो है उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और तेरह अक्टूबर को इसकी जो घोषणा करने के बाद पहली बार पहली जो प्रजामंडल था पहला जो टप्पा प्रजामंडल था वो या पहला जो स्टेट था या प्रजामंडल है ओरछा में थर्टी नाइन तेरह अक्टूबर पंद्रह सो उन्नीस सौ उनचालीस को आपको बनता है ठीक है तो इस तरीके से एक एक सूडो रिस्पॉन्सिबल जो सरकार है वो ओरछा स्टेट में बनती है उसके बाद के अंदर एक सेवा संघ संघ का निर्माण आपको होता है अब उस समय हुआ क्या कि कांग्रेस की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी स्टेट के अंदर कांग्रेस के कई सारे लीडर वहां पर आपको थे जैसे प्रेम नारायण खरे और चतुर्भुज पाठक दो बड़े नेता थे प्रेम नारायण और चतुर्भुज पाठक अब ये लगातार कांग्रेस की एक्टिविटी प्रजामंडल या ओरछा में आपको करते थे और ये जो भी प्रजामंडल वगैरह बना यह सब उन्हीं के कारण प्रेम नारायण खरे और आपके चतुर्भुज पाठक है उनके कारण ये चीजें आपको हुई अब उसके बाद अंग्रेज सरकार लगातार इनके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि तुम्हारे स्टेट में आ, ये कांग्रेस की गतिविधियां क्यों बढ़ रही कांग्रेस की गतिविधि ब्रिटिश इंडिया में बहुत ज्यादा थी पूरी तरह से प्रोमिनेंट थी लेकिन फिर भी उनका बोलना था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए या ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पर कंट्रोल करना तो उन्होंने राजा के ऊपर प्रेशर बनाया सरकार ने कि आपके यहाँ पर गतिविधि नहीं होना चाहिए आफ्टर दैट राजा ने इन दोनों अधिकारियों को बुलाया दोनों कांग्रेस के जो लीडर थे प्रेम नारायण खरे और चतुर्द शंभुज पाठक को बनाया और उनको बोला कि यार तुम कांग्रेस के नाम से काम मत करो तुम अपना एक अलग से संघ बना लो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लो मैं उसकी मंजूरी देता हूं तो कांग्रेस की उसी उन्हीं उसी प्रकार की एक्टिविटीज करने के लिए एक अलग से संघ बनता है जिसको बोलते हैं ओरछा सेवा संघ तो ओरचा सेवा संघ करके एक संघ यहां पर आपको बनता है विच इज कांग्रेस ऑफ दसा स्टेट लेकिन कांग्रेस के नाम से नहीं चला सकते क्योंकि अंग्रेज परेशान करें अब अंग्रेज चालू है उनके हाँ पे की चल रही। जी नहीं करने दे रहे क्योंकि उनके साथ ट्रिटियां ट्रिटीज थी जिन ट्रिटीज के अंतर्गत किसी भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी को प्रिंसिली स्टेट सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी उनको सहयोग नहीं देंगे तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि ओरसा सेवा संघ बनाया अंग्रेज पूछते कि क्या बोले कहां है कांग्रेस कोई कांग्रेस वांग्रेस नहीं है ओरछा सेवा संघ यहां पर है तो ओरछा सेवा संघ जो है उसकी स्थापना की जाती है और इसके माध्यम से जो भी गतिविधियां है वो वो गतिविधियां पर आपको चलाई जाती है। अब एक तरह से देखा जाए तो जो राजा था कहीं ना कहीं अंग्रेजों से परेशान थे और ये भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट तरीके से आपको सपोर्ट करते थे अब ये तो हो गया ओरछा सेवा संघ तो स्टैब्लिश हो गया लेकिन ओरछा सेवा संघ के साथ में एक और संघ स्टैब्लिश होता है उसका नाम था बुंदेलखंड सेवा संघ तो इसी तरीके से और भी आसपास के स्टेट के लोग थे तो तो बुंदेलखंड में जितने भी, भी, है, भी, भी राज्य हैं है, वो सब राज्य मिलके एक बुंदेलखंड सेवा संघ के अंतर्गत यहां पर आपको आ जाए तो धीरे धीरे इनके जो वॉलंटियर्स है वो आसपास के जो स्टेट थे जैसे ओरछा के अलावा छतरपुर हो गया अलीपुर हो गया तो इन जगहों पर जाते और वहां पर लोगों को और जो बुंदेलखंड सेवा संघ है उसमें पार्टिसिपेट करने का बोलते हैं और उसके बाद जो ओरछा सेवा संघ था इन 1945 1945 के अंदर एक नवंबर 1945 को जो ओरछा सेवा संघ था उसमें और भी अलीपुर वगैरह है बाकी स्टेट है उनके लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया और अल्टीमेटली जो ओरछा सेवा संघ था उसका नाम चेंज करके बुंदेलखंड सेवा संघ कर दिया गया जो पूरे बुंदेलखंड के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर आपको करता था और ये कहीं ना कहीं राजा का एक इंटरनल सपोर्ट जो है इंटरनल सपोर्ट उनको यहाँ पर

क्योंकि बाकी जो था जितने भी रियासत बाकी राज्य थे तो वो भारत में शामिल हो चुके थे और ओरछा स्टेट को लेकर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया कि क्या किया जाएगा क्योंकि बुंदेलखंड वाले जितने भी राज्य थे लेटर बिकम द पार्ट ऑफ विंध्य प्रदेश तो ये विंध्य प्रदेश आगे जाके बनेगा लेकिन उस समय ओरछा के राजा या पन्ना के राजा को डिसीजन नहीं ले पाए कि करना क्या है इसका कि भारत में शामिल होना है या नहीं होना है लेकिन जब जनता का प्रेशर इनके ऊपर बना जनता आंदोलन करने लग गई कांग्रेस के मेंबर आजादी के बाद तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे उन आंदोलनों में और जनता के प्रेशर के बाद जो ओरछा के राजा है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सत्रह दिसंबर उन्नीस क्योंकि अभी तक तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि हम कहां पर शामिल होंगे लेकिन सत्रह दिसंबर उन्नीस को जो आजादी के बाद का टाइम है, लेकिन ओरछा अभी तक आजाद नहीं हुआ है, है, अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो 17 दिसंबर 1947 को ये इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा करते हैं, जैसे भारत के अंदर भी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। और उस के जो चेयरमैन थे उसके जो अध्यक्ष थे वो राजा खुद थे और उसके अलावा उन्होंने लालाराम वाजपेयी बनवाया फिर चतुर्भुज पाठक नाम के एक लीडर थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया फिर कॉल्ड द मिथिलेश प्रशांत गोस्वामी करके एक अधिकारी थे उनको उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया न्याय मंत्री और आ, उसके बाद एक और अधिकारी थे मनकामेश्वर नाथ जुत्थी इनको होम मिनिस्टर आपको बनवाया गृह मंत्री बनवाया तो चार इंपॉर्टेंट जो लीडर थे उनके उनको अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई तो इस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या स्व सरकार जो है ओरछा स्टेट के अंदर आपको बन जाती है 1947 में 17 दिसंबर 1947 को लेकिन जनता कहां मानने वाली थी वो तो चाहती थी कि ओरछा को भारत सरकार के अंदर या इंडिया में शामिल किया जाए यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया जाए एंड आफ्टर दैट ये सब चीजें जब होती है तो बाईस जनवरी उन्नीस सौ ऑफ ऑगस्ट 1948 को ओरछा जो है वो अल्टीमेटली ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र के ऊपर साइन करते हैं और ओरछा जो है वो भारत संघ के अंदर या भारत के अंदर आपको शामिल हो जाता है ये जनवरी है जनवरी है जनवरी है तो 22 जनवरी 1948 को ओरछा स्टेट जो है भारत के अंदर इंडिया के अंदर आपको शामिल यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आपको शामिल हो जाता है पर इस तरीके से ओरछा जो है आगे जाके जो विंध्य प्रदेश है विंध्य प्रदेश का आपको भाग बनता है उसके बाद 1948 में ही विंध्य प्रदेश का गठन किया जाता है और इसके अंतर्गत ओरछा बिकम द पार्ट ऑफ द विंध्य प्रदेश है ना विन्ध्य प्रदेश का भाग यहां पे बन जाता है ठीक है यहां तक तो क्लियर हुआ सबको विंध्य प्रदेश के गठन की स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे बच्चे कम होते जा रहे यार धीरे धीरे प्लीज सर ये सीरीज बंद मत करना तो रोज आना परिवहन का टाइम आएगा जब यूनिट नंबर थ्री पढ़ेंगे, तब परिवहन हाँ, पीडीएफ दे दी है परमार प्रिंटेबल पीडीएफ दे दिया नहीं नहीं इतने कम बच्चों में तो मैं नहीं चला पाऊंगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तीस बच्चे उनतीस हो गए इतने कम बच्चों में तो नहीं चला पाऊंगा मैं फ्रेंकली बता रहा हूं क्योंकि मुझे भी अन अकेडमी को जवाब देना पड़ता है कि आप कंटेंट यहां पे पढ़ा रहे हो और अभी सी बात यूट्यूब है तो फ्री में पढ़ा रहे हो तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है फायदा क्या हो रहा है तो जवाब मांगेंगे ना कितने व्यू आ रहे हैं आपके वीडियो पे मैं बोलूंगा व्यू आ रहे हैं साढ़े चार सौ व्यू आ रहे हैं वो बोले कि पांच सौ व्यू के लिए थोड़ी पढ़ाएंगे ऐसा तो उनको जवाब देना पड़ता है अब क्या जवाब कि आपकी क्लास में तीस बच्चे पैंतीस बच्चे लाइव थे तो आप समझो उस बात को मेरी मजबूरी समझो आप कि अगर बच्चे कम होंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा क्योंकि मैंने बोला कि नहीं नहीं क्लास में सो बच्चे लाइव रहेंगे ये मेरी गारंटी है मैंने गारंटी ली थी कि सो बच्चे लाइव रहेंगे तो दो तीन क्लास हुई तो पचास साठ सत्तर साठ सत्तर बच्चे लाए थे बोले सर सो तो नहीं जा रहे मैंने जाएंगे जब सीरीज चलेगी ना लंबे समय तक तो सो भी जाएंगे जब रोज चलेगी रोज लेक्चर होगा डेली लेक्चर होगा तो सो भी जाएगा पहले मंडे टू फ्राइडे रोज लेक्चर होगा तो सो भी जाएगा हुआ क्या उल्टा डाउन हो गया है ना क्योंकि एक रिचुअल बन गया मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बोला था कि आ, रोज आप अटेंड करें तो रोज एक रेगुलर हैबिट बना ले कि कुछ भी हो जाए कोई भी काम है हमको छह बजे के पहले खत्म कर लेना क्यों क्योंकि बजे सर की क्लास होगी और बजे सर सूत्रपात की सीरीज लेंगे तो हमको कुछ भी करके छे बजे तक अपना काम खत्म कर लेना है ठीक है जो भी काम है वो फिनिश कर लेना लेकिन उल्टा हुआ बच्चे धीरे धीरे कम होते गए तो अब आप बताओ कैसे मैनेज करें क्या करें ज्वाइन करो रोज और क्या

बंद कर दूंगा क्लियरली टू बी वेरी फ्रेंक क्योंकि सिर्फ ये चाहिए कि आप देखो उसको ऐसा भी नहीं कि पैसा इसमें लग रहा है जो बच्चे प्लस ज्यादातर बच्चे यहाँ पे प्लस क्यों -plus के होंगे कितने बच्चे हैं जो नॉन प्लस के हैं नॉन प्लस प्लस नहीं है कमेंट करना जरा <laughs> सपोर्ट करेंगे एक ही है जो प्लस में नहीं है और कोई है जो प्लस में नहीं है मतलब कुछ बच्चे लाइव बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है सिर्फ एक है जो प्लस में नहीं है तो क्यों उसको प्लस में ही पढ़ाया जाए ज्यादा फायदा होगा ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे ज्यादा बेनिफिट आपको होगा दो बच्चे हैं जो प्लस में नहीं है आ, ऐसे नहीं चल पाएगा यार नहीं चल पाएगा मुझे जवाब महीने के एंड में जवाब देना पड़ेगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं और जब सी बात बातें कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा उनको ठीक है जो भी है ठीक है तो आ, सीरीज तो अभी चल रही है ऐसे कई सारी और भी सीरीज चल रही है जैसे और भी मतलब पहले चैनल पे और भी टीचर्स पढ़ाते थे तो वो भी लंबी सीरीज चलाते थे दो दो तीन तीन चार चार महीने की सीरीज चलाती थी उसमें भी यही हालत होती थी शुरू में तो जाते थे नब्बे सौ बच्चे फिर अल्टीमेटली तीस पैंतीस बच्चे उसमें आपको बचते थे तीस पैंतीस चालीस बच्चे पढ़ते थे उससे ज्यादा बच्चे जाते ही नहीं थे ये एक बड़ा प्रॉब्लम है उससे डील करना मुझे नहीं पता कैसे किया जाए है ना चलिए उसके बाद ये तो हो गया अब उसके बाद जो दूसरा स्टेट है अगला स्टेट है हमारा इट इज कॉल्ड बार चंदेरी स्टेट तो चंदेरी स्टेट तो पहला स्टेट हमारा ओरछा हो गया सेकेंड स्टेट इज कॉल्ड चंदेरी स्टेट अब जो चंदेरी स्टेट या चंदेरी वाला रीजन था तो चंदेरी अभी के समय पे जो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एक बड़ी जो सल्तनत उस समय आपको एस्टेब्लिश हुई थोड़ा सा चंदेरी की अगर हिस्ट्री में हम लोग जाए तो हमने मालवा स्टेट पढ़ा था और मालवा स्टेट के टाइम पर या मालवा सल्तनत के टाइम पर जो चंदीरी वाला रीजन है इसके ऊपर दिलावर खां गौरी ने हमला करके इस रीजन को कैप्चर किया उसके बाद होशंग शाह ने इस रीजन को आपको रूल किया फिर उसके बाद खिलजी जो मालवा के खिलजी थे उस समय पे ये वाला जो पूरा रीजन था ये मेदिनी राय के पास चला गया तो तकरीबन 15 1490 के समय से 1590 के समय से ये जो रीजन था ये मेदिनी राय के पास में था और तब से लेके तो 1528 तक मेदिनी राय चंदेरी के ऊपर आपको शासन कर था सो में एक बैटल ऑफ चंदेरी हुआ जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को डिफीट किया और चंदेरी वाला रीजन जो है एक तरीके से मुगल अंपायर के अधीन यहाँ पर आपको आ गया खैर मुगल अंपायर के अधीन आ गया लेकिन बाबर खुद चला गया यहां से तो ये स्टेट जो है एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट नहीं लेकिन फिर भी एक तरह से खाली राज्य यहां पे बन गया जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार आपको नहीं था और उसके बाद ये जो रीजन था इस रीजन पर मतलब मुगलों का एरिया था लेकिन मुगल इसके ऊपर ज्यादा क्लेम नहीं करते थे लेकिन बाद में जब जहांगीर का समय आया तो जहांगीर ने इस एरिया को फिर से क्लेम किया कि भाई ये तो हमारा एरिया है हमने उसको पंद्रह में

जहांगीर है वो जहांगीर क्या करता है कि जो रामशाह बुंदेला है रामशाह बुंदेला को देता है वो पूरी स्टोरी जो हमने कल सुबह के दो बजे के लेक्चर में देखी थी जहां पर ओरछा का जो राजा था वो था रामशाह बुंदेला अब रामशाह बुंदेला राजा था लेकिन रामशाह बुंदेला थोड़ा सा अकबर के अगेंस्ट था तो अकबर उसको कैद करके जेल में भी आपको डाल देता है उसके बाद जब वीर सिंह देव की जब बारी यहाँ पर आपको आती है जो पूरा वो अबुल अबुल अबु, अबु फजल वाला जो पूरा इंसिडेंट था तो अबुल फजल वाले पूरी इंसिडेंट के बाद उस घटना के बाद क्या होता है कि जो वीर सिंह बुंदेला है उनको ओरछा का राजा बना दिया जाता है और उसके बाद जो राम शाह बुंदेला है उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके चंदेरी की चंदेरी वाला एक अलग से जागीर उन्होंने क्रिएट किया जिसको हम लोग बार चंदेरी बोल रहे हैं तो इस बार चंदेरी वाला जो रीजन है इस रीजन को राम शाह बुंदेला को दे दिया जाता है कि तुम भैया यहां पर शासन करो यहाँ पे रूल करो क्योंकि वहां पर तो हमने वीर सिंह बुंदेला को एस्टैब्लिश कर लिया खैर उसके कारण उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ लेकिन मुगल राजा का आदेश है और ये दोनों मुगलों के अधीन है तो अल्टीमेटली जो राम शाह बुंदेला है उनको ये ये उनका जो ऑर्डर है मानना पड़ा और राम शाह बुंदेला एक तरीके से फिर बार चंदेरी के जो राजा है बार चंदेरी के यहाँ पर आपको राजा बन जाते है तो इस तरह से उनका साम्राज्य स्थापित हुआ और फिफ्टीन से लेके तो सोलह तक राम शाह बुंदेला यहां पर आपको शासन करते राम शाह बुंदेला के बाद उनका जो बेटा था उसका नाम था भरत शाह बुंदेला तो उसके बाद भरत शाह बुंदेला यहां पर आपको राजा बनता है मिनट ठीक है उसके बाद जो भरत शाह बुंदेला है तो भरत शाह बुंदेला यहाँ के राजा बनते हैं और इनको फिर ये रीजन जो है पूरा यहां पे शासन करने के लिए आपको दिया और इन्होंने अपना जो मेन कैपिटल था वो यहां पर आपको स्टेब्लिश किया उनके टाइम पर एक गोदराय करके चंदेरी के एक अधिकारी हुआ करते उनको उन्होंने डिफीट किया

अंग्रेज मुगल थे उन्होंने उनको यहां पर आपको ट्रांसफर किया तो ये बेसिक जो घटना है वो याद रखना यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनते हैं फिर अगले राजा बनते हैं दुर्जन सिंह बुंदेला 87 से लेके 1736 तक इनका शासन आपको होता है और इनके टाइम पर चंदेरी का जो रीजन है यहां पर मल्हार राव होलकर का आपको हमला होता है और मल्हार राव होलकर जो है वो चंदेरी स्टेट का बड़ा जो एरिया है बड़ा एरिया यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेते हैं और मल्हार राव होलकर कौन है मुगलों के सॉरी मराठों के सेनापति है जो आपके बाजीराव पेशवा हैं उनके सेनापति हैं तो उन्होंने विश्वनाथ के साथ बालाजी विश्वनाथ के साथ भी लड़ाई की और बाजीराव के साथ भी आपको लड़ाई की तो बाजीराव का एक्सपेक्ट उसकी उम्मीद है कि पूरा मध्य प्रदेश वो कैप्चर यहाँ पे कर ले और ऑलमोस्ट सच में पूरा मध्य प्रदेश बाजीराव पेशवा जो है वो अपने जो सरदार थे मल्ला राव होलकर राणू सिंधिया कालूजी सिंधिया उदोजी पवार पा, वगैरह इनके साथ मिलकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उल्म पूरा जो मालवा है पूरा मालवा यहां आप पर आपको कैप्चर कर भी लेते तो साथ में चंदेरी का एरिया सागर और आसपास का रीजन था वो भी मराठों के कैप्चर में चला जाता है इसके पहले मराठा जो है है वो ओरछा स्टेट पे भी उन्होंने आपको हमला किया था ठीक ओके उसके बाद आ, अगले राजा बनते हैं मानसिंह और मानसिंह जो है वो आ, उसके जगह आपका दुर्जन सिंह के बाद उनका बेटा मानसिंह बनता है फिर राजा बनता है अनिरुद्ध उनके बाद राजा बनते हैं रामचंद्र और रामचंद्र के टाइम पर एक इनके पास आपको रीजन था उसका नाम था मेहरूनी तो मेहरूनी का जो किला है कि ललितपुर के पास में जो जगह महरोनी महू महरोनी कहा जाता है तो उस महू महरोनी के अंदर एक जो दुर्ग है या एक जो फोर्ट है एक फोर्ट का निर्माण आपको करते हैं रामचंद्र देव उसके बाद अगले राजा बनते हैं मोर प्रहलाद 1802 से लेके 1842 अब यहां से थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पर आपको शुरू होती है अब इनके टाइम पर क्या होता मोर प्रहलाद के टाइम पर मोर प्रहलाद के टाइम पर जीन वेबटिस्ट आपको याद था है ना जो इसके पहले हमने बात की थी जीन बैप्टिस्ट को तो जीन बैप्टिस्ट जो जो सिंधियाओं कमांडर हुआ करता था तो जिसने उसने एक तरीके से ओरछा पे हमला किया उस तरीके से ये चंदेरी पे भी आपको हमला करता है और चंदेरी पे हमला करके उस समय चंदेरी के जो राजा थे उनका नाम था मूर प्रहलाद तो मोर प्रहलाद के टाइम पे चंदेरी पे हमला करता है और चंदेरी का बड़ा एरिया वो जीत लेता है अब चंदिरी ऑलरेडी अंग्रेजों के अधीन है यहाँ पे उनका संधि आपको साइन कर चुका है लेकिन फिर मतलब सिंधिया के ऊपर आपको सिंधिया के राजा यहाँ पर आपको हमला करते हैं और उसके कारण जो ओरछा स्टेट और बाकी स्टेट बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे ऊपर भी इस प्रकार का हमला हो जाए बट बहरहाल ये ट्रीटी साइन करने के बावजूद भी जीन बैप्टिस्ट जो है वो आपके ओरछा के ऊपर या सॉरी चंदेरी के ऊपर यहाँ पर आपको हमला कर दिया था और एक तरह से चंदेरी स्टेट आपके जो सिंधिया अंपायर था या सिंधिया जो डायनेस्टी थी सिंधिया डायनेस्टी के अधीन यहां पे चला जाता और ये उस समय के आसपास जो राजा थे उनको ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि वो अंग्रेजों की जगह सिंधियाओं के अधीन यहां पर आपको आफ्टर दैट जब इसने जीता तो उस समय पे जो सिंधिया है वो उनको एक जरिया करके गांव था वहां पे। तो जरिया गांव की जो जागीर है वो जरिया गांव की जागीर जिन बैप्टिस्ट को देते हैं और जरिया गांव की जो जागीर थी वो इकलौती ऐसी जागीर थी जो किसी यूरोपियन के पास में है क्योंकि राजा खुश हुए सिंधिया राजा खुश हुए और उनको आ, एक जो पर्टिकुलर रीजन है वो पर्टिकुलर जरिया गांव की जागीर दी जाती जिसकी कुछ समय पे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कुछ वैल्यू हुआ करती थी तो बीस हजार रुपए की जो जागीर है वो जीन बैप्टिस्ट को मिलती है उस समय बीस हजार रुपये बहुत बड़ी रकम थी तो बीस हजार रुपए की जागीर यहां पर आपको मिलती पूरा जो ये चंदेरी स्टेट का इसकी टोटल जो इनकम थी तीन लाख रुपए थी तो तीन लाख रुपए की जागीर इनको मिलती है रामशाह बुंदेला को और अकेली बीस हजार रुपए की जागीर जो है वो आपके जीन बैप्टिस्ट को मिलती है और उसके कारण बाकी लोग यहाँ पे नाराज हो जाते हैं और ये अकली इकलौती यूरोपियन जागीर थी क्वेश्चन आएगा कि बुंदेलखंड में इकलौती यूरोपियन जागीर कौन सी थी तो जरिया गांव करके जागीर थी वो सिंधियाओं ने उन लोगों को यहां पर आपको दी ठीक है तो इस तरीके से वो पूरा जो चंदेरी है वो चंदेरी को कैप्चर कर लेता है अब उसके बाद इनको शासन करने के लिए कोई एरिया ही नहीं बचा तो जो राजा थे मोर प्रहलाद उनके पास जो एरिया बचा है वो है बार बानपुर और केलगुआ ये तीन रीजन इनके पास आपको बचते हैं अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो केलगुआ है तो मोर्ग प्रहलाद केलगुआ को अपनी जो कैपिटल है अपनी राजधानी बना लेते हैं और उसी के साथ में ये अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कोर्ट थी उसमें सिंधिया के खिलाफ एक केस लगाते हैं कि भाई इन्होंने मेरा एरिया कैप्चर कर लिया मैं तो वैसे भी अंग्रेजों के अधीन हूँ फिर भी मेरा एरिया कैप्चर कर लिया और उसके बाद अंग्रेज सरकार जो है या अंग्रेज की जो ब्रिटिश कोर्ट थी उस समय पे तो वो उनके मामले की सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद बहुत सारा जो एरिया था बार तालबेट तालबेहट जो भी के समय पे यूपी में है बानपुर और केलगुआ ये पूरा जो रीजन है ये पूरा रीजन जो है अगेन आपके जो मोर प्रहलाद है मोर प्रहलाद को यहाँ पर आपको फिर से आपको दिया जाता है केलगुआ वाला रीजन

और सिंधिया के तरफ से पंडित वासुदेव राव भाव तो इन्होंने संधि साइन की और संधि साइन करके ये जो एरिया था तालबे और बार और बानपुर और ये पूरा रीजन पूरा उन्होंने अंग्रेजों या जो सिंध्यास थे सिंध्यास को यहां पर आपको दे दिया मतलब सॉरी सिंधिया ने आपके मोर प्रहलाद को यहां पर आपको दे दिया लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पूरा स्टेट था वो एक तरीके से सिंधिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था उनके प्रशासन के अंदर आपको रहा और ये वाला जो पूरा रीजन है इस रीजन को जनरली एक तहसील थी मतलब एक स्टेट हुआ कर एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था सिंधिया का उसका नाम था ईसागढ़ डिस्ट्रिक्ट ईसागढ़ तो इस पूरे रीजन को ईसागढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अब ये थे वैसे सिंधिया के अधीन लेकिन इनको एरिया वापस वापस मिल गया था उनको रीजन अपना वापस मिल गया था तो ईसागढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं अभी के टाइम पर भी ईसागढ़ तहसील है वो शायद आई थिंक अशोकनगर या गुना की किसी की एक तहसील अभी के टाइम पर भी होगी तो वो आ, सिंधिया के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट था बाद में उसको भारत आजादी के बाद उसको

और दूसरा होगा 1857 का रिवॉल्ट दो रिवोल्ट जो है इनके टाइम पर आपको हुआ और इस समय पे जो बुंदेला रिबेलियन यहां पर आपको स्टार्ट हुआ तो उस समय पे जो मधुकर शाह थे तो मधुकर शाह वॉज द मेन लीडर मधुकर शाह और पारीछात ये दोनों मेन लीडर थे खैर बाद में मधुकर शाह पीछे हट गए और पारीछात जो है उन्होंने कंटिन्यू किया और पारीछात को जैसे बताया कि आपके जो लड़ाई सरकार थी उन्होंने पकड़वाया था तो मोर प्रहलाद जो है वो छुप अंग्रेजों से छुपते छुपाते जो ओरछा स्टेट है तो ओरछा स्टेट के अंदर यहाँ पे पहुंच जाते हैं और थोड़ी चंदेरी स्टेट में पहुंच के यहीं कहीं आपको छुप जाते हैं और ये बात जब मर्दन सिंह को पता चलती है तो मर्दन सिंह अंग्रेज अधिकारी को उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो मधुकर शाह है उसको पकड़ लिया जाता है तो एक तरीके से स्टार्टिंग में अंग्रेजों का सपोर्ट यहाँ पे करते हैं समय एक अधिकारी था तो उसके बाद ये होता है उसके बाद एटीन में लॉर्ड एलवेंद्रो करके एक अधिकारी था अंग्रेजों का तो उसने सिंधिया के ऊपर हमला करके सिंधियाओं का रीजन कैप्चर करने की यहाँ पर आपको कोशिश किया और फिर जो पूरा बुंदेला रिबिलियन है उसको इस रीजन के अंदर आपको दबा दिया जाता है लेकिन ये चाहता था कि इसको और स्टेट और राज्य मिले या इवन जब सिंधिया को अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया 1844 में लॉर्ड एलबेंद्रो में तो उसके बाद उसको लगा कि यार जो चंदेरी वाला जो कैपिटल मेरा जो मेन एरिया था चंदेरी जो ऑलरेडी सिंधिया ने छीन लिया था शायद वो मेरी कैपिटल मुझे वापस मिल जाएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका कैपिटल था वो चंदेरी इनको वापस नहीं मिलता और ये फिर अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करते उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं तो जो व्यक्ति के सपोर्ट में था वही व्यक्ति इनके खिलाफ विद्रोह कर देता और 1857 के बैटल में जो आपका चंदेरी था तो चंदेरी से मर्दन सिंह जो है उस बैटल को लीड करता है कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को किल करता है और ये एकदम बोलते हैं ना इसको अंग्रेजों ने टाइटल दिया था इट्स कॉल्ड द भैरव ना क्योंकि भैरो मतलब जो भैरू जी होते हैं तो भैरो टाइटल दिया था क्योंकि ये भैरव की तरह अंग्रेजों की सेना पे टूट पड़ता कुछ बचा नहीं था ना मोस्टलीरिया अंग्रेजों ने आपको ले लिया था तो ये अंग्रेजों पे लगातार अटैक करता और अटैक करके उनके कई सारे सैनिकों को उसने मारा और अल्टीमेटली एटीन uh, में स्टूअट uh, करके uh, एक अंग्रेज अधिकारी थे पांच जुलाई अठारह को ये जो विद्रोह है तो मर्दन सिंह को वो लोग किल करते हैं उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद मर्दन सिंह सपोर्ट एक तरह से सरेंडर कर देता है जहाँ पे बाद में मर्दन सिंह को वो फांसी की सजा देते हैं और मर्दन सिंह के अरेस्ट होने के साथ में ही जो 18 जो 57 का बैटल यहाँ पे चल रहा था तो वो बैटल भी आपके चंदेरी के अंदर यहाँ पर आपको समाप्त हो जाता है एंड यहाँ पे हो जाता है और उसके बाद ये जो पूरा रीजन था चंदेरी तो चंदेरी स्टेट अगेन यहाँ से एंड हो जाता और चंदेरी स्टेट को सिंधिया के अधीन रह के पूरा शासन यहाँ पर आपको चलता है तो यहाँ के जो इंडिपेंडेंट साम्राज्य था वो चंदेरी का समाप्त हो जाता है क्योंकि मर्दन सिंह लड़ाई ऐसी लड़ाई अंग्रेज पागल हो गए उसके उसकी लड़ाई को देख के एंड आफ्टर दैट पूरा जो स्टेट है पूरा चंदेरी स्टेट अंग्रेजों के अधीन यहां पर रहा अंग्रेजों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया और बाद में फिर जो उनकी रॉयल फैमिली थी राम शाह बुंदेला की तो उनमें से कुछ लोगों को अधिकार दिया गया लेकिन बहुत कम पावर के साथ में या बहुत कम शक्ति के साथ में आगे पूरा साम्राज्य यहां पर आपको चला तो ये बात हुई आपके चंदेरी स्टेट की उसके अलावा यू कैन बाय अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और अभी तो वैसे ऑफर खत्म हो चुका है तो एक साल का सब्सक्रिप्शन बारह का है और इसके ऊपर साथ में आप अगर मेरा कोड है पवन लाइव पवन लाइव कोड को यूज करते हैं इट्स पी ए वी एन एल आई ई ट ट्वेंटी टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस दस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा उसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं तो उन बैच कोर्सेज को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अक्टूबर और नवम्बर में कई सारे आइकोनिक बैच नॉर्मल बैच ऐसे कई सारे बैचेस अभी लॉन्च हुए हैं अभी मेरा पेपर वन का पार्ट भी जोग्रफी वाला चल रहा है जिसके भी क्लास है आठ बजे फिर पेपर टू का पार्ट भी चल रहा है जहां पर पेपर टू का पूरा पार्ट भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ पर यूनिट नंबर फोर चल रही है फिर एक कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर थ्री है जिसके अंदर हमारी लास्ट यूनिट यूनिट नंबर जो टेन है यूनिट नंबर टेन बची हुई है तो ये कुछ यूनिट्स अभी के टाइम पर चल रही है ये कोर्सेस चल रहे हैं और इनके साथ में आप अपना पूरा एम का सिलेबस प्री और मेन्स सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं प्री के लिए सूत्रपात सीरीज चल रही है और मेन्स के कोर्स तो ऑलरेडी मैं आपको प्लस में पढ़ा ही रहा हूँ तो ये कोर्सेस के माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही और जिन्होंने लाइक नहीं किया लेक्चर को लाइक कर दें चलिए थैंक यू